आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना मिली है। समाज में गिनते नैतिक स्तर और बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने पुलिस के माध्यम से छात्राओं और बालिकाओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी जा रही है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कानून की जानकारी दी जा रही है। विदिशा जिले के पठारी नगर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में थाना प्रभारी संदीप चौरसिया ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित गुड टच बैड टच की जानकारी दी, जिसमें थाना प्रभारी ने छात्राओं को गुड टच और बैड टच करने के पीछे व्यक्ति की मंशा, भावना और उद्देश्य को अभिव्यक्त किया। यदि कोई गलत इरादे से शारीरिक स्पर्श करता है तो उसके तत्काल परिजनों को जानकारी देने की समझाइश दी। रास्ते, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों सहित विशिष्ट स्थानों पर किसी भी तरह की असुरक्षा या छेड़छाड़ की जाती है तो तत्काल परिजनों को जानकारी देकर पुलिस को शिकायत करें। स्कूल में अपनी शिकायत महिला शिक्षक को तत्काल दें, जिसका निराकरण किया जा सके। थाना प्रभारी ने प्राचार्य और स्टाफ को समझाइश देते हुए कहा कि बच्चियों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना की जाए। यदि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक शिकायत या जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। कुरवई से आशीष सहले की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया गया है कि समाज में जो महिला बालकों पर अपराध हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए इनको जागरूक किया जाना जरूरी है। इसलिए आज शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पठारी में जाके एक संबोधन वहाँ पर दिया गया है। इसमें गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तृत बताया गया है कि कौन सा गुड टच है, किस तरह से बैड टच है, कौन कौन से महिला बच्चों के कौन से कानून हैं, कौन से कृत्य ऐसे हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, कैसे उनको शिकायत अपनी समस्या का समस्या आती है तो उसको बताना चाहिए, शिकायत के माध्यम बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो 18 साल से कम उम्र के बालक बालिकाएँ चले जाते हैं, अपनी मर्जी से भी चले जाते हैं, तो उनको इस संबंध में विस्तृत बताया गया है कि 18 साल से कम उम्र के यदि बच्चे जाते हैं तो इसमें जो उसके साथ में ले जाने वाला है, भले इनकी मर्जी रहे तो उसमें वो भी आरोपी रहेगा। इस संबंध में विस्तृत अपराध को रोकने के संबंध में विस्तृत